गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर किसी भी एलिमेंट का क्लासिफिकेशन, मतलब वो कौन से ग्रुप में जाएगा, कौन से पीरियड में जाएगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप। ठीक, चार ग्रुप में एलिमेंट डिवाइड किए जाएंगे। वो चार ग्रुप क्या होंगे, इनर्ट गैस एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स एंड इनर्ट ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। तो चार तरह के, अब हम एक एक करके हम इसको समझते हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट क्या है, तो जैसा कि जानते हैं इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस मतलब जीरो ग्रुप। पीरियोडिक टेबल इससे पहले हम पूरा पढ़ा चुके हैं, और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसे बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इनर्ट गैस एलिमेंट। अब किस आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट इनर्ट गैस एलिमेंट है, तो उसे देखिए। द एलिमेंट विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड इनर एंड आउटर सेल आर कॉल्ड इनर गैस एलिमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर अंदर से लेकर बाहर तक के सारे सेल कम्प्लीटली फिल्ड हों, चाहे पहल के सेल हो या एल हो, एम हो, एन हो, जितने भी सेल हैं उनके कम्प्लीटली फिल्ड हों। जैसे पहले सेल में दो, अब यहाँ पे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन, रेडॉन, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं हीलियम में एटॉमिक नंबर दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक ही सेल होगी के सेल। वही चीज यहाँ लिखाई गई, दो इलेक्ट्रॉन है और के सेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है एस ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो गया। ठीक है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है के सेल को, के का वैल्यू कितना है, 1 है। इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया है, ये s रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ में इस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो भी यहाँ आपका 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम पहले से जानते हैं कि के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ही रह सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसमें एक ही सेल है, वो भी कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए जो एच ई है वो क्या हो जाएगा, इनर्ट गैस एलिमेंट। इसी तरह से दूसरे को समझते हैं, नियॉन को जो एटॉमिक नंबर है नियॉन का वो 10 है, 10 एटॉमिक नंबर है, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब 10 इलेक्ट्रॉन को अगर हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो 2 और 8 में डिवाइड करते हैं, पहले में 2 और दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से देखिए 1s1 रिप्रेजेंट कर रहा फर्स्ट सेल यानी के को, और 2 जो इन दोनों में लिखा हुआ है ये सेकेंड सेल को कर रहा है प्रेजेंट। अब कितने सब सेल है, नंबर ऑफ सब सेल हम देख लेंगे और उसमें ऑर्बिटल्स देख लेंगे। 2 सब सेल है, एक एस और एक पी सेकेंड में, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पहले में और दूसरे में 6, और पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फर्स्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड है और सेकेंड सेल में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो एस और पी को लेकर 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह से, इसी तरह से हम आगे आर्गन का करेंगे, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन, रेडॉन का करेंगे, और सब में देखेंगे कि जिस जैसे से नंबर बढ़ेगा, जैसे 1 है, 2 है, 3 आएगा, 4 आएगा, और हमें पता चलेगा कि किस सेल में है, के में है, एल में है, एम है या एन है, कितने सेल हैं उसमें, और किस सेल में कितने सब सेल हैं, और सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस तरह से यहाँ पे, और हम देखेंगे कि सारे सब सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। तो हम यहाँ पाते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए उस सब सेल में उतना प्रेजेंट है। तो इसीलिए जिनके कम्प्लीटली फिल्ड सब सेल होते हैं या सेल होते हैं उन्हें कहते हैं इनर्ट गैस एलिमेंट। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरे की रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं, रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को उपस्थित करना, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे जो अपने ग्रुप के पहले या दूसरे मेंबर
होंगे। तो यहाँ पे क्या है, the elements which have only outer most cell filled incompletely are called representative element। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे elements जिनके outer most cell सबसे बाहरी cell, मान लीजिए कि खाली k cell है, एक ही cell है उसके पास, तो उसमें एक ही electron होगा, खाली होगी। अगर l m n भी है, n है, तो उसमें जितने electron होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2n square, 4 स्क्वायर का हो गया 16, 2 जा 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन लास्ट में 32 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 18 हो सकता है, 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, लेकिन कंप्लीट 32 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो ऐसे एलिमेंट्स जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एल आई एन ए के, बी एम जी, बी ए एल, और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट सेल, जैसे हम बात करते हैं लिथियम की, सिर्फ के सेल है, ठीक है। अब के सेल है, के सेल में हमें पता है कि सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 1s2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के सेल को, मतलब एन बराबर 1, एस सब सेल, और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। उसके बाद सेकेंड सबसेल आता है 2s1। अब दूसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे में एक s सबसेल है और जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मींस 8 नहीं है, 8 है, 7 इलेक्ट्रॉन लेस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंड सेल अभी भी इनकम्प्लीट है, तो आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे इनकम्प्लीट है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हुआ। तो अब बात करते हैं सोडियम की। तो यहाँ पे के, एल और एम तीन सेल इन्वॉल्व हैं। पहले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, और तीसरे सेल में जब 18 इलेक्ट्रॉन होगा तब उसे कम्प्लीटली फिल्ड माना जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, फर्स्ट एस पहले में तो कम्प्लीट है, यानी के में कम्प्लीट 2 होनी चाहिए, 2 हैं। फिर सेकेंड में देखते हैं, ये भी सेकेंड है, ये भी सेकेंड, दोनों को मिला लेते हैं अगर हम, तो 6 to 8, यानी कम्प्लीटली सेकेंड वाला, यानी कि के बाद जो एल आता है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। लेकिन थर्ड सेल में जब घुसते हैं तो उसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उसमें भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि हम थर्ड ऑर्बिटल्स में तीन सब सेल देखते हैं, कौन कौन सी, एस पी एंड डी। तो इस तरह से वहां पे 18 एलिमेंट्स मिलता है और यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट है एस और वो भी इनकम्प्लीट। इस तरह से हम देखते हैं आउटर मोस्ट जो सेल है इसकी इनकम्प्लीट है और इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। अब इसी तरह से के, बी, एम जी, बी, ए, एल और बाकी भी एलिमेंट्स का हम करके चेक कर लेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है या नहीं है। अब क्या है ट्रांजिशनल एलिमेंट, तीसरा आता है ट्रांजिशनल एलिमेंट। पहले में हमने क्या देखा कि एक भी इसका खाली नहीं है, जिसमें जितना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन उतना है। दूसरे में हमने देखा कि आउटर मोस्ट जो है उसमें उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अब ट्रांजिशनल एलिमेंट में बस एक चीज समझनी है कि सिर्फ आउटर मोस्ट नहीं, उससे पहले वाले सेल में भी उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जितने की आवश्यकता होती है। चलिए, इन दीज एलिमेंट्स टू आउटर मोस्ट सेल आर फिल्ड इनकम्प्लीटली, तो मतलब क्या हुआ, बाहर के दो, जैसे अगर मान लीजिए 4 है के, एल, एम, एन, तो लास्ट के क्या हुए, एम और एन, ये दोनों ही जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 18 और 32 उतने नहीं होंगे दोनों में। आउटर मोस्ट सेल ऑफ दीज एलिमेंट हैव 1 or 2, सबसे बाहर की जो सेल होगी उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। शर्त क्या है कि आउटर मोस्ट में एक या दो इलेक्ट्रॉन ही होंगे। एंड प्रीसेडिंग सेल्स हैव 9 to 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 18 हो जाएगा तो कंप्लीट फिल हो गया, इसलिए 9 to 18 एलिमेंट्स या तो हाफ फिल्ड होगी और या फिर कंप्लीट फिल होने से एक इलेक्ट्रॉन कम होगी, इसी के बीच में इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट हैव 4 सीरीज, और ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं इनके 4 सीरीज होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है स्कैंडियम, ZN, TiO2, मतलब आप समझो कि डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स आते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वही है ट्रांजिशनल एलिमेंट। तो हम यहां पे एग्जांपल लेते हैं स्कैंडियम का। स्कैंडियम में 21 इसका वो होता है एटॉमिक नंबर,
और इसलिए इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम इनको के एलिमेंट में रखें तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 9 और चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ रूल क्या है कि आउटर मोस्ट में 1 या 2। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट n है, n में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और उसके पहले में 9 to 17, तो m में क्या है, 9 है। 9 हो सकता है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 एलिमेंट्स उसके पहले वाले मोस्ट। यहाँ से हम देख रहे हैं कि ना तो इसमें 32 है और ना ही इसमें 18 है। इस तरह से m और n दोनों ही इनकम्प्लीट हैं और यही शो करती हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट को। यहाँ भी वही दिखाया गया है कि 1 फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सेल में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 6 to 8 1 9 9 इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 2 सेल इनकम्प्लीट रह जाती हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट। अब क्या करते हैं, इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इनमें क्या करना है कि इनमें 3 आउटर मोस्ट सेल जो होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। तो इन दीज एलिमेंट्स 3 आउटर मोस्ट सेल आर इनकम्प्लीट फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड। दीज एलिमेंट हैव 2 सीरीज और इनके 2 सीरीज होते हैं, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। और ये अभी पीरियोडिक टेबल में जब आप पढ़ोगे, जो हमने बहुत पहले ही पढ़ाया है शुरू के जितने भी लेक्चर हैं हमारे, वो सबके सब पीरियोडिक टेबल पे ही बेस्ड हैं। तो वहाँ पे आपको लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज समझ में आ जाएगी और वो एलिमेंट्स भी पता चल जाएंगे जो यहाँ पे इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट कहलाते हैं। तो आज का जो टॉपिक था यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।